तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच मुस्लिम देशों से इजराइल को लगा झटका। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंचे मुस्लिम देश, इजराइल के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज। नेतन्याहू को फांसी की सजा देने की कर दी मांग, नेतन्याहू को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में मोदी के विरोध में उतरे साधु संत, कहा अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी, ये हिंदू धर्म के है खिलाफ, हम नहीं होंगे राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल। मोदी का अयोध्या में जबरदस्त विरोध। गाजा पट्टी में इजराइल की सच्चाई दिखाने वाले दो पत्रकारों की एयर स्ट्राइक में इजराइल ने करवा दी हत्या, दोनों पत्रकारों को बताया आतंकवादी। पूरी दुनिया के सामने इजराइल की आई दरिंदगी, इजरायली सेना ने बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारी गोली, फिर बाद में गाड़ी चलाकर उनके शवों को कुचला, पूरी दुनिया देखकर इजराइल से नाराज, इजराइल को बताया आतंकी देश। कांग्रेस पार्टी के बाद अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से किया इनकार, बीजेपी और आरएसएस का बताया प्रोग्राम मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को मुस्लिम देशों से लगा झटका। दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दर्ज करवाने पहुंचे मुस्लिम देश, नेतन्याहू को फांसी की सजा देने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में अब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मुस्लिम देशों ने विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मुकदमे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम देशों ने साफ कहा है कि वह इजराइल के खिलाफ शुरू से ही रहा है और हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन आजाद हो, अलग देश बने। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनने गाजा पट्टी में 25,000 बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत की है, उनके ऊपर मुकदमा चले और उनको फांसी की सजा हो। मुस्लिम देशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देने की मांग की है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री को क्या सजा सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के विरोध में उतरे अयोध्या के संत, बोले प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते राम मंदिर का उद्घाटन, पूरे देश पर आएगी विपत्ति, ये है हिंदू धर्म के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचकर नव निर्माण राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का विरोध अयोध्या में शुरू हो गया है और ये विरोध मुसलमान हिंदू नहीं बल्कि हिंदुओं के सबसे बड़े बाबा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन मोदी के द्वारा कराए जाने से अब अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रमों में धर्माचार्य बाबाओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। धर्माचार्य बाबाओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन संत कर सकता है, कोई राजनेता नहीं। धर्माचार्यों ने कहा है कि अभी अयोध्या के राम मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ है और अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है और पूरे देश पर विपत्ति आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की असलियत दिखाने वाले पत्रकारों को इजराइल की सरकार ने बताया आतंकी, एयर स्ट्राइक में करवा दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंग जारी है, इजराइल वहां लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की इन्हीं हमलों की पूरी सच्ची जानकारी पूरी दुनिया को दिखाने वाले पत्रकारों को अब इजराइल की सरकार ने आतंकवादी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में पिछले रविवार को अल जजीरा के 2 पत्रकार मारे गए थे। इसके 2 दिन बाद यानी बुधवार को इजरायली सेना ने उसके एयर स्ट्राइक में मारे गए दोनों पत्रकारों को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पत्रकार हमास के साथ मिले हुए थे और ये दोनों ही पत्रकार इजराइल के खिलाफ खबरें चला रहे थे, इसलिए हमने इनको मार डाला है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों की मौत पर अमरीका सहित पूरी दुनिया भड़क उठी है और इजराइल से गाजा पट्टी में जंग रोकने की अपील कर रही है, यानी गाजा पट्टी में जो पत्रकार हैं उनको अब आतंकवादी इजराइल की सरकार बता रही है, क्योंकि ये पत्रकार इजराइल
इसराइल की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में इसराइल की थूथू हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से किया इनकार, बीजेपी पर बोल दिया हमला। जदों से आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने वाला है और मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। कल ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस नोट जारी कर राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर दिया था और राम मंदिर के उद्घाटन को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया है और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को सनातन विरोधी बता डाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की, बड़ा झटका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से बीजेपी को राम मंदिर के लेकर लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी की जंग में दरंदगी पर उतरी इजराइल की सेना, पहले गोलियों से उड़ाया फिर सब पर चढ़ाई, कार कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। जदों से आपको बता दें कि हमास के साथ जंग में मुस्लिम देशों की निंदा झेल रहे इजराइल की दरिंदगी अब गाजा पट्टी में दुनिया के सामने आई है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर में एक घर के बाहर इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों को फिलिस्तीनी लोगों को पहले गोली मारने और सबों के ऊपर कार चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना के लोगों ने एक घर पर रेड मारी और वहां पर 3 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती गोली मार दी। गोली मारने के बाद उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और मौत होने के बाद उनके शवों पर इजराइल की सेना ने अपनी कार चढ़ाई और उनके शवों को कुचला, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया इजराइल पर आग बबूला हो गई है और इजराइल को आतंकवादी देश कहने लगी है। आपकी अगर आए दोस्तों इसराइल आतंकवादी देश है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही हिंदुओं ने जालसाजी कर दी शुरू, दर्शकों को वीआईपी दर्शन देने के नाम पर ठग रहे हैं 5,000 रुपये। जदों से आपको बता दें कि अयोध्या में अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ है, हिंदू जालसाजों ने राम मंदिर के नाम पर जालसाजी शुरू कर दी है और लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जालसाज हिंदू बाबाओं ने भगवान श्री राम के वीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर देश भर में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करते और उसके बाद बैंक खातों को खाली कर देते। गृह मंत्रालय ने ठगी की इस वारदातों को देखते हुए देश भर में एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जालसाज अयोध्या में राम मंदिर के वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर लोगों से हजारों की संख्या में पैसे ठग रहे थे। किसी से 10,000 रुपये मांगते थे तो किसी से 50,000 तो किसी से 1,00,000, और राम मंदिर के नाम पर जो भारत के हिंदू थे वो इनको पैसे भी दे देते थे, लेकिन ये एक फ्रॉडगिरी चल रही थी ना कि असलियत में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से राम मंदिर के नाम पर जैसे बीजेपी ने पहले वोट बटोरे और अब लोग पैसा बटोर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में 35 सीट लेने के लिए अड़ी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस, अखिलेश दे चुके हैं 8 से 10 सीटें देने का संकेत। जदों से आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 35 से ज़्यादा सीटों पर दावा कर रही है। पहले दौर की बातचीत में सीटों पर फैसला समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सका। अब 12 जनवरी को दोबारा बैठक होगी, इसमें सीटों के मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांटकर ब्यौरा तैयार किया है। पहली प्राथमिकता श्रेणी में 35 सीटें रखी हैं, जबकि दूसरी प्राथमिकता वाली 25 और तीसरी प्राथमिकता वाली 20 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवार, वोट बैंक की स्थिति, सियासी समीकरण आदि का ब्यौरा लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से 35 सीटें देने की बात करी, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें देने के लिए तैयार है, यानी इन दोनों ही पार्टियों में बात नहीं बननी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मदरसा टीचरों को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, अब होगा टीचरों को नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा टीचरों को लेकर एक भयंकर आदेश लेकर आई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश के मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के लिए रखे गए शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाता था। ताज़ा फैसले के बाद अब अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 25,000 शिक्षक अब तक मदरसों में दोस्तों नौकरी देते थे, लेकिन अब इन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा और इनको अब जो 30-35,000 रुपये मिलते थे वो भी नहीं दिए जाएंगे।